न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, खुदा को याद करने से। नमस्कार व आदाब सभी यूट्यूब व्यूवर्स को, आप सभी का इस अपना सराज यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन व खैर मकदम है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम आज डोडा की वादी लाल द्रमन के एरिया में आए हुए हैं। हम आपको यहाँ की खूबसूरती, नेचुरल खूबसूरती है उसको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लाल द्रमन का डल है, जहाँ लाल द्रमन का गिरिनार जिसमें बसता था, और ये साइड में जितनी भी नेचुरल जो ब्यूटी देख रहे हैं आप, यहाँ पे घोड़े दिख रहे हैं आपको, गाय दिख रही हैं, और यहाँ पे एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे लोग आते रहते हैं, और हम आप सभी को चाहते हैं जो भी लोग लाल द्रमन में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और इस गर्मी के सीज़न में आप अच्छे तरह से आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है, उसका मलट दादा जी का मंदिर है, और साथ में आप इसको, हम एक और चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, प्रयास करेंगे दिखाने का, कि यहाँ पे एक हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक, जो यहाँ पे मस्जिद भी है, एक साइड पे मस्जिद और एक साइड मंदिर है, ये हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को दर्शाता है। हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है वो आपसी अच्छा है, अच्छा भाईचारा है। और कुछ समय पहले आप लाल द्रमन में देखते तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है। यहाँ पे हट्स, गवर्नमेंट हट्स बन चुकी हैं, और अभी यहाँ पे रहने की सुविधा भी धीरे धीरे हो रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है। हम सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप लाल द्रमन की वादी में आएँ, इस खूबसूरती को, जो नेचुरल खूबसूरती है, इसका लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पे इतनी ठंड होती है इस टाइम पे, गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे आप अभी तो नेट देख ही रहे हैं कि अब डायरेक्ट यहाँ पे डल है बीच में, जो इसमें पानी रहता है, और यहाँ पे इसकी एक कहानी है जिसमें वीरनाग बसते थे, जो यहाँ से कश्मीर ले लिया था कश्मीर के कुछ लोगों ने, तो अभी इसमें खाली पानी थोड़ा सा रहता है, और बहुत ही अच्छी जगह है। अब देख रहे हैं साइड पे पहाड़ी दिख रही है, साइड पे और चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे देवदार की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। नेचुरल हवा है, नेचुरल प्रकृति का आनंद यहाँ पे देखने को मिलता है। ये डोडा से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर है, और ये बिल्कुल थाली की तरह दिखता है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेचुरल थाली की तरह दिखता है, ये सुंदरता जो है इसकी दर्शाता है कि प्रकृति जो है, प्रकृति का कोई, हम नहीं कह सकते कि प्रकृति क्या कर सकती है, प्रकृति की ये चीज़ें बनी हुई हैं, इसको हमें जानना चाहिए और ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ हिंदू जो है, जो मंदिर है, और एक साइड से ये हमारी मस्जिद है, तो ये हिंदू एकता, हिंदू मुसलमान एकता को दर्शाता है। हमें लोगों को ऐसे भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और आप डायरेक्टली अब मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, हम मंदिर को हम नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी आपके अब देख रहे हैं कि मंदिर का दृश्य भी आप देख सकते हैं। हम मंदिर को नज़दीक से दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, और हम अभी यहाँ पे मलट दादाजी को नमन करते हैं, नमन करके हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं साइड पे धर्मशाला, ये बहुत अच्छी धर्मशाला बनाई हुई है, यहाँ पे लंगर भी लगता है हर साल, और यहाँ पे गेट्स पीछे के लिए, और बादलों से घिरा हुआ पूरा बहुत अच्छा मंज़र है, बहुत ही अच्छा मंज़र देखने को मिल रहा है हमें। और अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग लाल द्रमन में आना चाहते हैं, और जो भी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो सारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।